कहना चाहता हूं कि सहरा अकबरुद्दीन ओवैसी को ना बांधे, ये सहरा चंद्रायन गुट्टे की आवाम को बांधे, अकबरुद्दीन ओवैसी के साथियों को बांधे। अकबरुद्दीन ओवैसी के खाने से खाना मिलाकर 25 बरस से काम करने वालों को बांधे। कि आज कई ऐसे लोग मेरे सामने हैं जो 25 बरस पहले नौजवानी और अपने शबाब पर थे और आज 25 बरस बाद आज अधड़पन में हैं। तो आज अगर ये काम हो रहा है तो इस काम का एजाज उनको भी बराबर जाता है जितना मुझे जाता है जिन्होंने मेरा साथ दिया। हमें ख्वाब लेकर आगे बढ़े थे और लोग हमारे ख्वाबों का मजाक उड़ाते थे। हम एक इरादा लेके आगे बढ़े थे तो लोग हमारे इरादों को खैखे में उड़ाते थे। हम कहते थे कि हलके से जहालत का खात्मा करेंगे। हम कहते थे कि नौनिहालों के हाथों में कलम थमाएंगे। हम कहते थे कि मासूम खांधों पे किताबों के बस्ते का बोझ डालेंगे तो लोग हंसते थे। मुझे याद है एक अंग्रेजी अखबार ने मेरा कार्टून बनाकर मेरा मजाक उड़ाया था। कहा कि गवर्नमेंट जो काम नहीं करे ये 25 बरस का नौजवान कह रहा है कि काम करेगा। आज पता नहीं वो कार्टून बनाने वाले वो लिखने वाले आज कहाँ है नहीं मालूम, मगर हम तो यहां खड़े हैं और काम कर रहे हैं। तो हमारा काम हमारी पहचान है और आप बेहतर जानते हैं यहां ये घर बन रहा है अभी बना नहीं। एक घर बनाने में कितनी तकलीफ होती है घर बनाने वाले को मालूम। एक घर बनाने में कितना पसीना बहाना पड़ता है घर बनाने वाले को मालूम। और अकबरुद्दीन ओवैसी ने 14 स्कूल बना दिए, इमारतें बना दिए गरीबों की तालीम के लिए। ये हमारा काम। लोगों के पास काम नहीं होता तो ये वो बातें करते हैं, हमारे पास काम बहुत है मेरे भाई। और अकबरुद्दीन ओवैसी सिर्फ आपका रुकने असेंबली नहीं है, आपके रुकने असेंबली के साथ मजलिस का फ्लोर लीडर, मजलिस के फ्लोर लीडर के साथ ओवैसी असरा हॉस्पिटल दक्कन मेडिकल कॉलेज का एमडी, फिर उसके बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक ताकतवर लीडर। तो सवाल यह है क्या एमएलएशिप की जिम्मेदारी निभाई या नहीं, क्या फ्लोर लीडर की हैसियत से जिम्मेदारी निभाई या नहीं। ऐवान असेंबली में रेड्डी रहो राव रहो कोई भी रहो हमारी बात को सुनना ही पड़ता है। हम जो बोला मैनेजिंग डायरेक्टर ओवैसी हॉस्पिटल की हैसियत से ओवैसी हॉस्पिटल आप जाते हुए देखते हैं कैसा दिख रहा है। वो लोग जो सालार को जाहिलों का लीडर कहते थे, हमको बंडी वाले रक्षे वालों की जमात कहते थे, मैं उनसे कहूंगा आके देखो सालार के बनाए हुए ओवैसी हॉस्पिटल को, इंटरनेशनल हॉस्पिटल ओवैसी हॉस्पिटल को देखो। जो कहते थे कि चंद्रायन गुट्टे वाले जाहिल है, अकबरुद्दीन ओवैसी को लोग आज भी बोलते हैं अरे जाहिल है, ये बोलता वो बोलता ये करता वो करता, अरे हाँ हम जाहिल है, अरे आकर हमारी जहालत की निशानी को देखो, कोई काबिल आदमी नहीं बनाया ऐसी इमारत बनाए। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।